नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज। और अगर वेट लॉस के लिए आप ये वीडियो देखने आए हो तो मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका वेट भी कम होगा और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट आपको बताने वाला हूँ जो वेट लॉस के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो वज़न कम नहीं होगा। ये बताने के लिए मुझे पहले कुछ उन लोगों की चर्चा करनी पड़ेगी जिन लोगों को हम पहले से जानते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हैं और जिन्होंने अपना वेट बहुत अच्छे से कम किया है। वो कहीं और से नहीं, वो बॉलीवुड से हैं वो लोग। जैसे कि आलिया भट्ट का सबको पता है कि आलिया भट्ट मूवीज़ में आने से पहले जो थी वो मोटी थी, और मूवीज़ में आने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे से अपना वज़न कम किया और सक्सेसफुल हो गई। करीना कपूर को सब जानते हैं कि जब तैमूर को जन्म दिया तो वज़न बढ़ा हुआ था और बाद में उन्होंने ठान लिया कि मैं पतली होके रहूंगी और पतली होके दिखाया बहुत अच्छे से। आमिर खान ने दंगल मूवी के अंदर पहले मोटे इंसान का रोल किया और बाद में चमत्कारी रूप से अपने आप को बिल्कुल एथलेटिक बॉडी के अंदर ले आए। अर्जुन कपूर जो 100 किलो से भी ज़्यादा थे और उनको पता था कि मूवीज़ में आना है और वज़न अपना बहुत अच्छे से कम करके एकदम मस्कुलर बॉडी बना ली। और सोनाक्षी सिन्हा जिनको पता था मूवी में आना है, वजन अपना अच्छे से कम कर लिया और मूवीज में सक्सेसफुल हो गई। सारा अली खान भी बहुत सक्सेसफुल हुई और पतली हो गई, पहले बहुत मोटी दिखाई दिया करती थी। और उसके अलावा अदनान सामी जो सिंगर और कंपोजर हैं, पहले तो क्या शरीर था उनका भारी भरकम, अब कहते हैं कि 70 किलो से भी कम पे अपने वेट को ले आए हैं। और जो पिछली मैंने हफ्ते एक वीडियो बनाई थी शहनाज गिल को लेकर, शहनाज गिल बिग बॉस की कंटेस्टेंट, वो भी पहले वो इतनी मोटी नहीं थी लेकिन फिर भी वजन कम करने के बाद जो कुर्ता पजामा काला काला गाना में आई, बहुत ही सुंदर लग रही है। अब ये सारे लोग जो जितने भी मैंने आपको बताए, इन सब लोगों के पास एक कॉमन रीज़न था वजन घटाने के लिए। वो कॉमन रीज़न क्या था कि इनको पता था कि कुछ भी हो जाए, अगर इन्होंने अपना वजन कम कर लिया तो इनको मूवीज में आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। आलिया भट्ट को पता था, अर्जुन कपूर को पता था और सोनम कपूर को पता था, इन सबको पता था कि ये कैसे परिवार से, इनके पिताजी जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं बहुत बड़े, अगर किसी तरीके से इन्होंने अपना वजन कम कर लिया तो मूवीज में आएंगी ही आएंगी और सक्सेसफुल होगी, सारी दुनिया वाहवाही करेगी। ऐसा ही हुआ। करीना कपूर को पता था कि मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल रही हूँ मूवीज में, अगर मैं वैसे जैसा प्रेगनेंसी के बाद वजन बढ़ जाता है हर महिला का, अगर मैंने अपना वजन बढ़ाए रखा तो मुझे कोई नहीं पूछेगा, अगर मैंने अपना वजन घटा के वापस से मैं जीरो फिगर में आ गई तो मूवीज में काम भी मिलेगा और सारी दुनिया सैल्यूट भी करेगी, और ऐसा ही हुआ। सारा अली खान को पता था कि भाई उनके पिताजी भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनकी माताजी भी बहुत अच्छी एक्टर रही हैं और बॉलीवुड में अच्छी जान पहचान है, अगर शरीर सुंदर बना लिया तो काम जरूर मिलेगा, और मिला भी। सोनाक्षी को तो सलमान खान ने खुद ही बोल दिया था कि तुम वजन घटा लो, मैं तुम्हें एक मूवी में लॉन्च करूंगा, और सलमान ने अपना वादा पूरा भी किया। अदनान सामी एक बहुत ही सक्सेसफुल सिंगर और कंपोजर थे, उनको भी पता था कि अगर वजन घटा लूंगा तो इंडस्ट्री के अंदर मुझे बहुत काम मिलने वाला है। शहनाज गिल जो बिग बॉस के अंदर इतनी ज्यादा मशहूर हो गई थी, सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया तू अपना शरीर अपनी फिगर बहुत अच्छी कर ले, तू देख काम की कमी नहीं होगी। आप उनके इंस्टाग्राम पे जाके देखना, काम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पास इतना काम नहीं है जितना अकेले शहनाज गिल के पास आज काम आ रहा है, बहुत काम उनके पास आ रहा है। इनके पास एक मोटिवेशन जिसको बोलते हैं ना, मोटिवेशन वो इंग्रेडिएंट था, इनको पता था कि हम ये करेंगे तो ये मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये इंग्रेडिएंट नहीं होता, तो आप जोर तो पूरा लगाते हो वजन घटाने का, डाइटिंग कर, 32 बार वाला फॉर्मूला लगा, ये कर वो कर, वजन नहीं घटता। मैंने जब वीडियो बनानी शुरू की थी ना तो मैंने एक लड़की की कहानी बताई थी जो मेरी क्लास में पढ़ती थी, जो पहले बहुत मोटी थी और बाद में बहुत सुंदर और स्लिम ट्रिम हो गई। तो मैंने जब उससे पूछा ना, मैंने फोन करके पूछा, मैंने कहा यार तू इतनी पतली कैसे हो गई, तो उसने बताया, कहती है कि मैं जब बचपन में ना जीन्स डालना चाहती थी, मेरी उम्र की सब लड़कियां जीन्स डालती थी, मैं जब भी जीन्स डालना चाहती थी तो मेरे पापा मना कर देते थे कि नहीं तू जीन्स में अच्छी नहीं लगती, मैं मोटी इतनी ज़्यादा थी, मैं अच्छी नहीं लगती थी तो मना कर देते थे। तो मैंने कहा बस इतनी सी बात से तुझे मोटिवेशन मिल गई? उसने कहा इससे भी मिली, उसके अलावा जब मेरे क्लास 11th की फेयरवेल पार्टी थी स्कूल के अंदर, तो उस फेयरवेल पार्टी के अंदर मुझे कोई ड्रेस डालनी थी, तो मैंने अपनी भाभी से उनकी एक ड्रेस मांगी, और मेरी भाभी जब प्रेग्नेंट थी
तब उन्होंने वो ड्रेस खरीदी थी, यानी कि उनका पेट बाहर निकला हुआ था तब मैंने वो ड्रेस खरीदी थी और मुझे क्लास 11th में वो ड्रेस बिल्कुल फिट आ रही थी। तो वो बोलती है मैं शीशे के सामने खड़े होके मुझे अपने ऊपर इतनी शर्म आई कि तू अभी तेरी उम्र ही क्या है और इस छोटी सी उम्र में तुझे एक प्रेग्नेंट लेडी की ड्रेस बिल्कुल फिट आ रही है। कहती वो दिन था और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब मैं आपको बताऊं, कोई डाइटिंग करे, कोई 32 बार का फॉर्मूला करे, कोई जिम जाए, कोई कुछ भी करे, जब तक उसके पास ये ऐसे रीजंस नहीं है ना, या तो आपके पास कोई रीजन हो कि आपको बॉलीवुड में जाना, या आपको कोई किक लगी हो, जैसी किक इस लड़की को लगी जो मेरी क्लासमेट थी। आप लोगों के पास ऐसी किक नहीं होती। मेरे पास ना आज से हफ्ते पहले करीब, मैं हर रोज पेड कंसल्टेंसी करता हूँ, हर रोज मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं लोगों के, वजन घटाने के लिए मुझसे सलाह लेते हैं। तो मेरे पास एक कॉल आया होगा करीब हफ्ते पहले की बात है, एक लेडी बोलती है कि सर मैं आपकी वीडियो तो पिछले काफी महीनों से देख रही हूँ लेकिन मेरे ऊपर ये 32 बार का फॉर्मूला काम नहीं करता, मेरा वजन कम नहीं होता। मैं समझ गया आपके लोचा क्या है, मुझे पता चल गया इनके पास किक नहीं है। तो मैंने उनको पहले तो बड़े प्यार से ना 32 बार का फॉर्मूला समझाया। मैंने उनको बोला कि मैडम आप समझो ये 32 बार का फॉर्मूला ना, पहले से ही रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, हर टुकड़े को 32 बार चबा के खाओ, खाना खाने में आधे घंटे का समय लो, हफ्ते में एक दिन बिना नमक का खाना खाओ, खाना खाने के एक घंटे बाद ग्रीन टी, ये पांचों बातें बड़े प्यार से और बड़े आराम से उदाहरण दे दे के समझा दिया। बाद में मैंने उनको ना बड़े ही कन्विक्शन के साथ बोला, मैंने कहा मैडम आप, मैंने आपका वेट भी समझ लिया, आपकी हाइट भी समझ ली, आपकी एज, आपका ऑक्यूपेशन, सारी बातें समझ ली है। अब उसके आधार पे जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूं कि एक महीने बाद जब आप इन चीजों को जैसे जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करोगे, एक महीने बाद आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बताना जरूर कि आपका वेट का क्या हुआ। मैंने एक हफ्ते पहले बात की थी उनसे, करीब 3 या 4 दिन बाद ही उनका व्हाट्सएप मैसेज आया और व्हाट्सएप पे लिखा था सर आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ सर। और नीचे लिखा था कि सर मेरा ना सिर्फ 3 या 4 दिन में 2.5 किलो वजन कम हो गया। मतलब जो लेडी कई महीनों से मुझे सुन रही थी उसके पास मोटिवेशन नहीं थी। मैंने कन्विक्शन से उसको बोला, मैंने कहा मैडम कोई रोक ही नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपका वजन कम नहीं होगा। और मैंने उनको जो हमारी 32 बार कम्युनिटी है फेसबुक पे, उस ग्रुप में ज्वाइन करा दिया। अब उस ग्रुप के अंदर तो एक ऐसा जादू है ना, मतलब वहां पर कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन लोग अपना बिफोर एंड आफ्टर का पिक्चर ना पोस्ट करते हो, हर रोज कोई ना कोई अपनी फोटो पोस्ट करता है, वीडियो पोस्ट करता है। उस ग्रुप को सिर्फ देखने मात्र से, फ्री है वो ग्रुप, वहां किसी के कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ उस ग्रुप को हर रोज एक बार खोलने खोलने से लोगों का वजन कम हो जाता है, वो मोटिवेशन मिल जाता है। तो खैर ये तो बात मैंने आपको की कि वो इंग्रेडिएंट जो है ना, सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट वो है मोटिवेशन। अगर आपकी लाइफ में मोटिवेशन नहीं है, आप जो मर्जी कर लेना आपका वजन नहीं कम करेगा। और अगर मोटिवेशन है ना, उसके साथ हर एक को ये बातें पता, सबको पता है कि मीठा कम खाओ, मीठे की जगह स्टीविया खा लो, सलाद प्लेट में जब खाना खाने लगो तो प्लेट में आधी सलाद हो और आधी रोटी और सब्जी हो, सलाद खूब खाओ आपका वजन कम होगा। फ्रूट्स खाओ मीठे की जगह, फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, हेल्दी कार्ब्स होते हैं, सबको पता है। चावल कम खाओ, रोटी कम खाओ, चावल और रोटी की जगह ओट्स की रोटी खा लो, आप ज्वार की रोटी खा लो, बाजरे की रोटी खा लो, मल्टीग्रेन की रोटी खा लो, सबको पता है। 32 बार चबा चबा के रोटी को खाओ, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ो, खाना खाने का समय आधे घंटे तक ले जाओ, खाना खाने के बाद ग्रीन टी पियो, हरी सब्जियां खाओ, पालक खाओ, पनीर खाओ, टोफू खाओ, सोया मिल्क पियो, सबको पता है ऐसी ऐसी चीजें, सलाद खूब सारी खाओ, खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, वाटरमेलन खाओ, पपीता खाओ, सेब खाओ, ये सारी चीजें आप खा सकते हो। और एक समय तो ऐसा आएगा जब आपको आइसक्रीम खाना भी अलाउड होगा और आपका वजन कम होगा। अभी तक ना मेरी वीडियो, अगर मैं सारे प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो करोड़ों लोग मेरी वीडियोस देख चुके हैं, उन करोड़ों में से मतलब आप शायद ही कोई ऐसी वीडियो होगी जिस वीडियो पे नीचे लोगों ने कमेंट ना किया हो कि आपकी वीडियो देख के मेरा वजन कम हो गया। तो मैं आपको बार बार कहूंगा, मैं पूरी कन्विक्शन से कहता हूं, मैं कसम उठा के कहता हूं, स्टाम्प पेपर पे लिख के बोलता हूं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है वजन घटाना, हर कोई वजन घटा सकता है और सबका, आप किसी भी उम्र में हो आपका वजन कम होगा, बस अंदर से एक रीजन ले लो, अंदर से ठान लो। और मैं अब कह रहा हूं आपको, जो हमारी कम्युनिटी है ना 32 बार कम्युनिटी फेसबुक पे, सर्च करना 32 बार कम्युनिटी फेसबुक पे जाके और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते।
वहां बस उसको एक बार खोल के देखो हर रोज, और देखो फिर क्या करिश्मा होता है, क्या आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। तो अपना वजन घटाना है ना, हमारा जो 32 बार का फॉर्मूला है, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, बार बार रिपीट करता हूं मैं तो उसको, उसमें यही है कि खाना जो है ना उसको इतना चबाना है कि मुंह में पानी बन जाए, फिर अंदर लेके जाना है। हर टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने, जैसे किसी 3 साल के बच्चे को खिलाते हैं, सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस खाओ, व्हाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड खाओ, पीनट बटर खाओ, ऐसी ऐसी हेल्दी चीजें खाओ, बहुत सारे फ्रूट्स खाओ, हरी सब्जियां खाओ, सलाद खाओ। ये सब चीजें करने से आपका वजन पक्का कम होगा। खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी जरूर पियो। ग्रीन टी को लेकर मुझे बहुत सारे लोगों के सवाल आते थे कि सर ग्रीन टी कौन सी लें। बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियां जो ग्रीन टी बेच रही हैं ना, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बेच रही हैं। लेकिन मैंने पर्सनली कई महीनों तक इसके ऊपर रिसर्च किया, अगर वजन घटाने के लिए ग्रीन टी लेनी हो ना, जिसका जितना लंबा पत्ता होगा ग्रीन टी का, उतनी अच्छी क्वालिटी की होगी। पहाड़ पे जितनी ज्यादा ऊंचाई पे वो ग्रीन टी लगती है, उतनी अच्छी क्वालिटी की होती है। जो पहली फसल होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है। ये सारे गुण और धर्म इसके जांच के मैंने ऑर्डर करनी शुरू कर दी, और हमारी वेबसाइट है 32bar.com, दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी वजन घटाने के लिए आपको वहां से मिलती है। एप्पल साइडर विनेगर वहां से मिल जाता है, शिया सीड्स वहां से मिल जाती है, बहुत सारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं, बालों के लिए अनियन ऑयल मिलता है। मेरी स्किन को लेके बहुत से लोग पूछते हैं कि सर आपकी स्किन इतनी ग्लो कैसे कर रही है, तो ये इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। 32 बार की जो क्रीम्स आती हैं, जो फेस वॉश आता है वो मैं यूज करता हूँ। आपको ये बता दूं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 32 बार की ऐड कर रहा है, अपना सामान बेच रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, मैं कोई सामान नहीं बेच रहा जी। 32 बार से अगर 1 रुपए का भी प्रॉफिट होगा ना, 100% प्रॉफिट जो है, एक हॉस्पिटल बनाना मेरा सपना है, जिस हॉस्पिटल में किसी के इलाज का कोई खर्चा ना आए। तो अगर आप वहां से वो प्रोडक्ट खरीदोगे तो अल्टीमेटली वो हॉस्पिटल बनेगा, और लोगों को समाज का भला करना मैं मानता हूं कि वो जीवन का सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए। तो मेरा तो अब एक ही सपना है कि वो हॉस्पिटल बन जाए जल्दी से जल्दी। और मैं आपसे पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ, दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं बचेगा जिसका वजन कम ना होता। अपने अंदर मोटिवेशन भर लो, कहीं से भी मोटिवेशन है ना, आप दुनिया को मतलब हिला के रख दोगे। आपको पता है, एक चर्च के अंदर एक पादरी भाषण दे रहे थे, और वहां एक बच्चा भी बैठा था जो व्हील चेयर पे आया था, उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे, और चर्च में पादरी ने अपने भाषण में कहा कि इफ यू बिलीव एंड कंसीव यू वुड बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन द लाइफ। मतलब उन्होंने कहा कि अगर तुम विश्वास करो और उस बात को धारण कर लो तो तुम इस दुनिया में कोई भी काम कर सकते हो। उस बच्चे के पांव काम नहीं करते थे, लेकिन उसके अंदर एक सपना था कि मैं अपने पैरों पे चलना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं। तो उस बच्चे ने ना मन में उस पादरी की बात को ना अच्छे से ठोक के बिठा लिया, और बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा था। उस बच्चे के फादर पादरी के पास गए और उन्होंने बोला कि आप तो हमारे बच्चे को जानते हो पहले से, उसके दोनों पैर काम नहीं करते, आपकी बात सुनने के बाद से अब वो रोज कहने लगा है कि मैं चलूंगा, मैं अपने पैरों पे दौड़ूंगा एक दिन। तो पादरी ने कहा, मैंने तो सिर्फ भाषण दिया था जी, मैं गारंटी नहीं लेता कि वो चल पाएगा नहीं चल पाएगा। लेकिन उस बच्चे ने उस बात को अपने दिमाग में ना खोद लिया था, इफ यू बिलीव एंड कंसीव यू वुड बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन द लाइफ। और कहते हैं कि आने वाले समय में वो बच्चा जिसके दोनों पैर काम नहीं करते थे, वो दुनिया का सबसे तेज दौड़ाक बना, कार्ल लेविस। आप गूगल पे सर्च करना, कार्ल लेविस दुनिया का सबसे तेज दौड़ाक बना था अपने जमाने में। तो अगर किसी बात को धारण कर लो, मैं यहाँ पर बहुत सी महिलाएं वीडियो को देख रही हैं, बहुत से पुरुष देख रहे हैं, बहुत से बच्चे, बहुत से बुजुर्ग देख रहे हैं, आप सबसे मेरा पर्सनली विश्वास करना, मेरा कोई लालच नहीं है इसके अंदर, ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि आपका वजन कम ना। आप किसी भी उम्र में किसी भी अवस्था में होगे, बस एक बार जोश जगा लो, अंदर से वो जो किक है ना वो जगा लो, पक्का वजन कम होगा। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। 32 बार कम्युनिटी को ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं वहां लाइव बात करता हूँ लोगों से। भगवान आप सबका भला करे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।